भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के 6:30 बज गया है। रेनी स्कूल जी, मैं आपको दिखाऊँ एक बार। और मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के 6:30 बज गया है। रेनी स्कूल जाने वाली है, स्कूल से रेनी को स्कूल से ट्रिप पे लेके जाने वाले हैं सब। तो विंडसर जा रही है वो, तो मैं उसके लिए कुछ भारी सा टिफ़िन बना के दे देती हूँ, क्योंकि उधर उसको टाइम मिलेगा कि खरीद के खाने के लिए। तो इसीलिए रेनी बोला मुझे बना के दे दीजिए मम्मी। तो मैं अभी आलू का पराठा उसको बना के जल्दी जल्दी दे दूँगी। उसके बाद घर का काम निपटा के मेरा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, मैं जाऊँगी चेकअप के लिए। और फिर सारा दिन मैं क्या करती हूँ, आप साथ में रहिए, देखते रहिए। ये जो आलू पराठा का जो मसाला है, जो आलू के साथ जो मसाला जाता है, ये मैं पहले दिन रेडी करके रख दिया था। मसाला रेडी करके रखा था रात को, आलू बॉईल करके फिर मैं आलू का मसाला रेडी करके आटा गूंद के आटे के अंदर पूर बना के वो फ्रिज में मैं रख दिया था। आई होप अब ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। आलू पराठा का जो मिक्सचर है, मैं आलू में ऑनियन, थोड़ा सा अदरक, ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव और सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी आमला पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब मैं दे दिया था। स्पाइसी थोड़ा कम दिया था क्योंकि रेनी सुबह सुबह खा के जाएगी ना। और कुछ नहीं था इसमें, काफ़ी अच्छा टेस्ट हुआ था। और थोड़ी सी रेड चिली थी, कश्मीरी रेड चिली थी, तो ये काफ़ी अच्छा है। सुबह अगर कहीं पे जाना हो या बच्चे के स्कूल के टिफ़िन के लिए, अगर रात को ये सब रेडी करके रख देना रखोगे तो काफ़ी जल्दी सुबह सुबह काम सब निपटा जाता है। तो ये सब रेडी करके रखने के बाद सुबह सुबह मेरा इतना जल्दी काम हो गया था, काफ़ी जल्दी हो गया था। तो ये सब करके मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसमें रखा था, क्योंकि टिफ़िन बॉक्स के अंदर मैं रखूँगी तो टाइट नहीं हो जाएगा, उस पर लगेगा नहीं नीचे में। तो सुबह जब मैं निकाला तो अच्छा, काफ़ी सॉफ्ट था, बेलने में भी आसानी था।
मैं पराठा जब बनाती हूँ ना, खाली ऊपर से ऑयल ब्रश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल हम खाते नहीं है। और ये रोटी मेकर में पराठा काफ़ी अच्छा बन जाता है। जब मैं आटा गूंदा, काफ़ी उसमें ऑयल लगा के रखी थी, इसीलिए ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ा, खाली ऊपर से ब्रश कर दिया था। हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, मैं उधर जा रही हूँ। उधर से मैं कहीं और जाने वाली हूँ, और मैं सुबह सब काम ख़त्म कर लिया, खाना वाना सब पका लिया, और रेनी स्कूल चली गई। संदीप मेरे साथ जा रहा है, उधर से वो ऑफिस चला जाएगा। फिर चलिए साथ में। मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो गया, मैं अभी जा रही हूँ। संदीप चला जाएगा ऑफिस और मैं बस पे चली जाऊँगी हाई स्ट्रीट। गया मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग करके मैं आई, नीचे रखा रेनी को, बोला वो ट्रॉली बैग लेके आने के लिए, क्योंकि मुझे भारी उठाना मना है। रेनी आ रही है और मैं खड़ी हूँ इधर रास्ते पे। ये देखो मैं इधर रख दिया, ये रेड पैकेट पे मेरा चिकन है। और वो देखो रेनी आ रही है। मैं घर आ चुकी हूँ और मेरा ने डॉक्टर को दिखा के मैं सीधा आ गई थी हाई स्ट्रीट। कुछ काम मेरा था और मैं उधर ग्रॉसरी भी लेना था। मैं इंडियन शॉप से पूरा सामान लेके आई और मुझे भारी उठाना मना है, बोलकर रेनी तो मुझे लेने के लिए आ गई थी। तो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई। मैं सोचा फ्रिज में उठाने से पहले सारा सब्जी मैं आपको दिखाऊँ एक बार। और ये सब मैं आज लाया, ये आलू गोभी, मुझे मैदा चाहिए था, मैं मैदा लाई। ये है रॉ बनाना, मैं ये लाई। ये बंगाली में हम एक चीज़ बनाते हैं उसको सूख तो बोलते हैं, वो होड़ेनी को बहुत दिन से खाना था तो मैं आज लाई वो लाई। और क्या बोलते हैं इसको, करेला लाई। और बाकी सामान मेरा है फ्रिज में, यही चाहिए था मुझे। और ये चिंग का मैं हॉट गार्लिक वाला जो लिया, ये बहुत स्पाइसी है, ये मुझे चाहिए था। और ये मैं इडली बैटर लेके आई, इसमें डोसा इडली सभी हो जाता है। और ये मैं ढोकला खाऊंगी, बहुत दिन से मन हो रहा था तो बोल के ये मैं एक लाई। और ये कुकीज़ मैं लाया, ये है ये जीरा वाला, मुझे बहुत पसंद है, ये मैं लाई। और मेरा सूखा मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो मैं ये लाई। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सब अच्छे से रहो, अपने अपने घर में स्वस्थ रहो। मैं और क्या बोलूँ, मेरा चैनल को आगे बढ़ाते जाओ, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। और मेरे चैनल पे जो नए नए व्यूअर्स हो मेरे चैनल को, अगर मैं अच्छी लगी, मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, ना भी अच्छा लगे फिर भी सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।